हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं 84 कुटिया, जिसे द बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि यहाँ पर कैसे आना है, टिकट का प्राइस कितना है, इंडियन के लिए, फॉरेनर के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबको सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आश्रम की स्थापना महर्षि महेश योगी जी ने 60 के दशक में की थी। यह जो आश्रम है, यह पूरा राजाजी नेशनल पार्क कच्छ एरिया है उसके अंदर बना हुआ है, और जितना एरिया आश्रम के पास है वो टोटल जो जमीन है वो 18 एकड़ के करीब है, और यह बहुत ही बड़ा आश्रम है। आप घूमते घूमते थक जाएंगे, इतना बड़ा ये आश्रम है। और यहाँ से सारे आपके जो ऋषिकेश है, और गंगा है, राम झूला, यहाँ से सब क्लियर नज़र आते हैं। यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं, और यहाँ पर वो पूरा जो ये 84 कुटिया बनी हुई है और जो अंदर वन है, सब यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर घूमते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग ध्यान अभी भी लगाते हैं। 1960 के दशक में जब महर्षि महेश योगी जी ने यहाँ पर आश्रम स्टार्ट किया था, तब वो यहाँ पर योग और ध्यान की शिक्षा देते थे, जिसे प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन जिनकी वजह से ये आश्रम पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, उनका नाम है द बीटल्स ग्रुप। आज जो ऋषिकेश में इतने आपको फोनर्स दिखते हैं, ये सब इन्हीं की बदौलत। जब ये यहाँ पर आए थे तो इन्होंने यहाँ पर योग साधना की थी, और इसका प्रचार उन्होंने इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया में किया था, जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग ऋषिकेश में योग करने और मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। बीटल्स रॉक बैंड के जो जो लोग यहाँ पर आए थे, उनका नाम है जॉन लेनन, पॉल मैक, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार। इस आश्रम में रुककर बीटल्स ग्रुप ने यहाँ पर योग साधना करते करते और मेडिटेशन करते करते लगभग 40 गाने लिखे, और इन जो गाने यहाँ पर लिखे थे उनके जो उन्होंने एल्बम बनाए, उनका नाम है वाइट एल्बम और एबे रोड। 2003 में इस आश्रम को वन विभाग के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था, और लगभग 7 साल पहले यानी कि सन 2015 में इसे सैलानियों के लिए यानी कि टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे आया जा सकता है। यहाँ पर आना कोई मुश्किल नहीं है। आप जानकी पुल के पास से थोड़ा सा आगे आएंगे, तकरीबन 300 मीटर के करीब, 300-350 मीटर आपको आना है, और ये 84 कुटिया आ जाएगी। आपको किसी कन्वेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए। आप सीधा यहाँ से पैदल जानकी पुल से सीधा बीटल्स आश्रम 84 कुटिया आ सकते हैं। अब मैं आपको टिकट के बारे में बताता हूँ कि टिकट का प्राइस कितना है। जो फॉरनर्स हैं, फॉरनर्स के लिए यहाँ पर 600 रुपीज़ पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा, और जो इंडियन है, इंडियन के लिए 150 रुपीज़, 150 रुपये का टिकट है।
और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टिकट का प्राइस 75 रुपीज़ है, 50% डिस्काउंट है उनके लिए, लेकिन उनको अपना जो आई कार्ड है वो दिखाना होगा तभी ये डिस्काउंट मिलेगा। और जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए यह पूरी तरह से निःशुल्क है। पहले ये आश्रम पूरी तरह से निःशुल्क होता था, लेकिन इतनी बड़ी जगह होने के बाद ये 18 एकड़ ज़मीन है, इसको मेंटेन करने के लिए ये शुल्क लगाया गया है। 150 रुपये कुछ ज़्यादा है, थोड़ा कम भी किया जा सकता था, लेकिन ये 150 रुपये अगर आप अच्छे मौसम में आएंगे तो वसूले जा सकेंगे। धूप में और गर्मी में आने से, यहाँ पर आने से आप बचें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग। वो वैसे ही है ना, ठंडी जगह है, वो ठंडी है, वहाँ बोल में ज़्यादा क्या है।